हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपीपीएससी अड्डा। टुडे इज द पार्ट 8 ऑफ द करंट अफेयर सीरीज ऑफ 500 एमसीक्यूज। वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 500 फैक्ट्स, 500 प्लस फैक्ट्स टू यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम एज द रीजनल एम्बेसडर ऑफ इंडिया रिसेंटली। देखिए यूनेप, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, तो किसको रीजनल एम्बेसडर बनाया गया है अभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी, खुशी चंदालिया को अभी यूनेप का, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम का रीजनल एम्बेसडर बनाया गया है फॉर इंडिया। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यूनेप का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। रिसेंटली हु हैज बीन become the first woman pilot of the fighter aircraft Rafael। अब यहाँ पर आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है कि जो first woman pilot, fighter pilot अगर बोला जाता है तो कौन है, और यहाँ पर first woman pilot of fighter aircraft Rafael के बारे में बात हो रही है तो कौन है, नीति राव, पूजा जोशी, कीर्ति चौधरी या शिवांगी सिंह? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी, शिवांगी सिंह। When is International Sign Language Day observed every year? 25 September, 23 September, 20 September या 21 September? तो ये मनाया जाता है आपका on 23 September, ठीक है? Which state has won the Uni ATF Prize 2020 for prevention and control of non-communicable diseases? कौन सी स्टेट को मिला है Uni ATF Prize 2020? कर्नाटक, सिक्किम, केरला या मध्य प्रदेश? तो ये मिला है आपका केरला को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। व्हिच कंपनी हैज रिसेंटली टाइड अप विद बजाज अलायंस टू ऑफर डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस टू इट्स कस्टमर? देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है ये आपका यूनिट 9 से, ठीक है। ई कॉमर्स रिलेटेड क्वेश्चन है ये, और इसी तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके प्रीलिम्स में। Which company has recently tied up with Bajaj Alliance to offer digital सुरक्षा group? Amazon, Flipkart, Paytm या यान? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, Flipkart। Who has recently become the new brand ambassador of Acer India? New brand ambassador of Acer India किसको बनाया गया है? तो वो है आपका सी, सोनू सूद को बनाया गया है। Recently famous personality SP Balasubramanian has passed away. He was SP Balasubramanian. Recently famous personality SP Balasubramanian has passed away. He was singer, mathematician, former cricketer या painter? तो इसका जो correct answer है वो है आपका A, singer. Who has been selected for the customer awareness campaign of RBI recently? किसको सिलेक्ट किया गया है as customer awareness campaign of RBI? अक्षय कुमार, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन या नन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, अमिताभ बच्चन। Which country's former cricketer Dean Jones has passed away recently? Dean Jones जो है फॉर्मर क्रिकेटर है, वो कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या वेस्ट इंडीज? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका क्या, ए, ऑस्ट्रेलिया। व्हेन इज वर्ल्ड रेबीज डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? वर्ल्ड रेबीज डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 सितंबर, 25, 30 सितंबर या 22? तो ये आपका मनाया जाता है हर साल 28 सितंबर को। Which bank has recently launched warehouse commodity finance app? ये देखिए, ये भी आपका जितनी भी apps हैं वो important है, जो भी launch हुई है अभी recently, तो आपको ध्यान रखना है। Recently launched warehouse commodity finance app कौन सी bank ने launch की है? ICICI, HDFC, IDBI? तो ये launch किया है आपका भी HDFC bank ने, ठीक है। Who has recently won the title of F1 Russian Grand Prix 2020, ठीक है? F1 Russian Grand Prix 2020 अभी किसने जीता है ये टाइटल? तो ये जीता है आपका सी, वाल्टेरी बोटास ने, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद डेनमार्क विद वाटर सेक्टर, इन द वाटर सेक्टर डेनमार्क ने कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट बनाया है, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान या नन? तो इन्होंने बनाया है गुजरात के साथ, ठीक है। When is World Tourism Day celebrated? Every year World Tourism Day कब celebrate किया जाता है? 27 September, 30 September, 25 या 29 September? तो इसका जो correct answer है वो है आपका A 27 September. When is Daughters Day celebrated every year? Daughters Day कब celebrate किया जाता है? तो on the last Sunday of September. अंत्योदय दिवस is celebrated every year across India on the birth anniversary of which person? अंत्योदय दिवस हमेशा हर साल मनाया जाता है किसकी birth anniversary पर? तो वो है आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय की birth anniversary पर क्या मनाया जाता है? अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए next, who has recently become the new chairman of Telecom Regulatory Authority of India? ट्राई के अभी न्यू चेयरमैन कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी, पीडी वाघेला जो है अभी न्यू चेयरमैन बने हैं किसके? ट्राई के, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन हैज वोन दिस ईयर्स फिफ्थ ट्रॉफी, ठीक है, फिफ्थ ट्रॉफी जीती है लुइस हैमिल्टन ने बाय विनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रेसेस? तो इनमें से कौन सा ग्रैंड प्रिक्स जीता है लुइस हैमिल्टन ने? तो वो है आपका बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स। व्हेन इज वर्ल्ड हार्ट डे? वर्ल्ड हार्ट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो वो आपका मनाया जाता है बी 29 सितंबर को, ठीक है। हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर? देखें यहाँ पे क्या पूछा है, वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द AIFF अवार्ड 2020, तो वो आपका दिया गया है बी संजू यादव को। विच कंट्रीज ओपनर निशांत थारंग हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, ठीक है। विच कंट्रीज ओपनर निशांत थारंग जो है वो कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं जिन्होंने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस किया है? तो वो है आपका ए ऑस्ट्रेलिया। नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? नेशनल स्पोर्ट्स डे बहुत बार पूछा गया है एमपीपीएससी में, तो आपको ध्यान रखना है नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है ए 29 अगस्त। हु वॉज रिसेंटली नेम्ड एज द न्यू जज ऑफ द यूएस सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, न्यू जज ऑफ यूएस सुप्रीम कोर्ट, तो किसे बनाया गया है? ये एमी कोनी बैरेट को बनाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो 2 वाज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड? एरो 2 जो है कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है, पाकिस्तान, जापान, रशिया या इजराइल? तो एरो 2 जो है वो बिलोंग करता है आपका इजराइल को। हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओथ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री फॉर द फोर्थ टाइम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ टाइम इन श्रीलंका क्या मिला है, प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका महिंदा राजपक्षे जो है वो फोर्थ टाइम आपके प्राइम मिनिस्टर बने हैं, कहां के? श्रीलंका के। और गोतबाया राजपक्षे जो है वो क्या है वहां के? वो प्रेसिडेंट है, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेशनल हैंडलूम डे, ठीक है, नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है 10th मार्च, 12 अप्रैल, 20 मई या 7th ऑफ अगस्त? तो ये मनाया जाता है आपका 7th ऑफ अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेज, ठीक है, वर्ल्ड सीनियर डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 10 मार्च, 21 अगस्त या 12 अप्रैल? तो ये मनाया जाता है आपका सी 21st ऑफ अगस्त को। रिसेंटली द प्रेसिडेंट Which country has announced the discovery of the largest natural gas reserve in the Black Sea region? Largest ever natural gas reserves, ठीक है? तो कौन है? ईरान, इराक, तुर्की या जापान? तो तुर्की के प्रेसिडेंट ने अभी अनाउंस किया है कि उनकी कंट्री में अभी बहुत बड़ा लार्जेस्ट एवर नेचुरल गैस रिजर्व जो है
मिला है, कहां मिला है? तो ब्लैक सी रीजन में। रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ IIFL फाइनेंस। IIFL फाइनेंस का भी फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो वो है आपका रोहित शर्मा को। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रोमानिया। एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रोमानिया किसको बनाया गया है? तो वो है आपका सी राहुल श्रीवास्तव को बनाया गया है। इंडियन रेलवे इन अप्रैल 2020 डेवलप्ड अ मच चीपर वेंटिलेटर बनाया है। किसने बनाया है? मोस्ट इंपोर्टेंट, इंडियन रेलवे ने बनाया है। व्हाट नेम एमिड द इंक्रीजिंग आउटब्रेक ऑफ COVID-19 इन द कंट्री? तो किस नाम से उन्होंने एक वेंटिलेटर बनाया है, किसने बनाया है? तो इंडियन रेलवे ने बनाया है। प्राण, जीवन, अमर या साकार? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, जीवन नाम का एक चीपेस्ट वेंटिलेटर बनाया है फॉर द COVID-19 पेशेंट्स। और किसने बनाया है? तो इंडियन रेलवे ने बनाया है। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू रीच द मैरियाना ट्रेंच? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड में फर्स्ट वुमेन हु रीच द मैरियाना ट्रेंच, द डीपेस्ट पॉइंट। ठीक है, तो कौन है वो? तो ए सुलिवान जो है वो वहां पहुंची है। ठीक है, रिसेंटली विच इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट हैज वोन द वर्ल्ड फूड प्राइज 2021? वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 पूछा गया है यहाँ पर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका क्या? शकुंतला हरक सिंह थलस्टेड। ठीक है, शकुंतला जी को क्या है? वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 मिला है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 किसको मिला है, तो ये मिला है आपका रतन लाल को। ठीक है, चलिए। विच इंडियन लीडिंग टू व्हीलर कंपनी हैज रिसेंटली एक्वायर्ड द 122 ईयर ओल्ड मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन ऑफ यूनाइटेड किंगडम? देखिए, टू व्हीलर कंपनी है जिसने अभी एक्वायर किया है किसको? यूनाइटेड किंगडम की कंपनी नॉर्टन को। ठीक है, तो कौन है? टीवीएस, यामाहा, बजाज या होंडा? तो किसने एक्वायर किया है? आपका ए, टीवीएस ने। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास डोनेटेड कैश टू मेंटेन द फ्लो। व्हाट परसेंटेज हैज बीन अनाउंस्ड टू कट द रिवर्स रेपो रेट रिसेंटली? देखिए, रिवर्स रेपो रेट को कितने परसेंट से कट किया गया है? अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो कल ही मैंने आपको बताया है लास्ट वीडियो में कि ये जो रिवर्स रेपो रेट है कितना है, कितने परसेंटेज से कम हुआ है। तो आप सभी जाके सारे वीडियोस देखिए, हर एक वीडियो में बहुत सारे फैक्ट्स हैं। तो यहाँ पर जो है घुमा के क्वेश्चन पूछा है कि कितना परसेंट कटा है पहले से, तो वो है इसका आंसर आपका 0.25%। ठीक है, 3.75% से ये हुआ है 3.35%। तो इसका आंसर क्या है आपका? 0.25%। In which country President Moon Jae-in has won the recently held parliamentary election under the shadow of coronavirus? देखिए, ये President Moon Jae-in जो है, इन्होंने अभी एक parliamentary election जीता है। ये कौन सी country को belong करते हैं? Russia, South Korea, Japan या Iran? तो ये belong करते हैं आपके बी, South Korea को। International Human Flight Day is observed on which of the following डेज? ठीक है, 15th of January, 15th of February, 15th March या 12th April? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी, 12th April। रिसेंटली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अपग्रेडेड 430 फीट लॉन्ग बेली ब्रिज एट दापोरिजो ओवर सुबनसिरी रिवर इन अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? देखिए, बेली ब्रिज जो है यहाँ पर सुबनसिरी रिवर पर बना है, किसने बनाया है? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। तो वो कौन सी स्टेट में बना है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या पंजाब? तो ये बना है आपका बी, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये आप ध्यान रखना, बेली ब्रिज। ठीक है, बेली ब्रिज याद रखना। एनटीपीसी हैज इनवाइटेड ग्लोबल एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट फॉर हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड इलेक्ट्रिक बसेस एंड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड इलेक्ट्रिक कार फॉर लेह एंड विच सिटी? तो लेह और
न्यू दिल्ली के लिए एनटीपीसी ने 10 हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड सेल दिए हैं फॉर इलेक्ट्रिक कार्स एंड इलेक्ट्रिक बसेस। इंटरनेशनल वर्कर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज, 20 अप्रैल, 15 से 1 मई या 1 जून। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 1 मई। इसको वर्कर्स डे या लेबर्स डे भी बोला जाता है, ठीक है। वर्ल्ड चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 12 जून, 10 जून, 15 जून या 7 जून। तो वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे जो है आपका मनाया जाता है 12 जून को, ठीक है। चलिए, आज का जो हम पार्ट 8 है वो यही कंक्लूड करते हैं। आप सारे जो है सभी पार्ट्स आप देखिएगा, बहुत ही ज्यादा जल्दी आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा करंट अफेयर्स का। और अभी हमने रोजगार एंड निर्माण का जो भी है वो भी जो है हमने सीरीज लॉन्च किया है, तो वो भी आप जरूर जरूर देखिएगा। आपका बहुत ज्यादा उसमें प्रीलिम्स के लिए जो है बहुत प्रॉफिटेबल होगा। और अभी हम एमपी स्टैटिक और एमपी करंट भी लॉन्च करने वाले हैं रोजगार निर्माण का। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू।